हेलो रिवन मैं रवि कुमार शर्मा नवीन आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थी जो है लाइव बनेंगे बच्चे सभी विद्यार्थी लाइव हो जाएंगे और एक बार सेशन को सभी विद्यार्थी शेयर कर दें स्टार्ट करते हैं हम सेशन को आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग का डीसी जनरेटर आपका कम्यूटेशन के बारे में यानी इससे पहले मैंने आप लोग का आर्मी ची आपका कंप्लीट किया गया था और उसमें आपके आर्मी ची में बेसिकली आपके तीन पार्ट्स आप लोगों के बनाए हुए हैं और जिन विद्यार्थी को देखा नहीं है वो भी वीडियो को अवश्य देख लेंगे ठीक है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग का कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे आपका कम्यूटेशन यानी एक डीसी मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा कम्यूटेशन की अगर हम बात करें कम्यूटेशन आप लोग क्या होता है कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या कि कम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है वो दरअसल में होता क्या है ये आप लोग को बताना है तो कोई विद्यार्थी बता सकता है कम्यूटेशन प्रोसेस आपका होता क्या है चलिए बता आपका कम्यूटेशन में आपका क्या होता है आज आपका जनरेटर में आपका एक कारण पुरुष आपका दो कंप्यूटर सेगमेंट्स को क्या कर देता है टच कर देता है तो उस सेगमेंट से जुड़ी कॉल आपस में क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं ठीक है कॉल क्या होती है आपकी शॉर्ट सर्किट आपकी हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले शॉर्ट सर्किट होने पर और शॉर्ट सर्किट होने के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम कहते हैं हाँ जो आर्मेचर दो सेगमेंट्स से अपने आप हाँ किसके द्वारा अपने आप नहीं करते किसके द्वारा करते हैं आपका कारनब्रुश के द्वारा ना कि आपका कम्यूटेटर से क्या रहता है सेगमेंट स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट रखता है अब जब वो दो सेगमेंट्स से को टच कर देगा तो सी जुड़ी कॉइल होती है वो क्या कर जाती है शॉर्ट सर्किट कर जाती है वो आप लोगों का क्या कहलाता है कम्यूटेशन कहलाता है ठीक है तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं कम्यूटेशन में आपका कि जब डीसी जनरेटर में लिख सकते हैं डीसी जनरेटर में जब कार्बन ब्रुश जब कार्बन ब्रश आपका दो यानी टू कम्यूटेटर सेगमेंट्स को किसके दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को क्या कर दे टच कर दे दो कंप्यूटर सेगमेंट्स को टच करता है तो क्या होता है उस सेगमेंट से जुड़ी उस सेगमेंट्स से जुड़ी यानी कनेक्टेड उस सेगमेंट से जुड़ी आर्मेचर कॉइल्स आर्मेचर फ्वाइल्स क्या होती है शॉर्ट हो जाती हैं शॉर्ट हो जाती है ठीक है, है? यानी जब भी हमारा कार्म है आप लोगों का आप लोग कंप्यूटर सेगमेंट्स आप किस प्रकार से आपको होती हैं इसको इस प्रकार से बना दे हम आपको कंप्यूटर आता होता तो वत्ता है पर इसको खोल के इस प्रकार से बनाए आप लोगों का तो ये आपका सेगमेंट्स होता है ये आपका एस वन सेगमेंट होली है माली आपका एस टू हो गया या आपका एस थ्री हो गया इस प्रकार से आपके क्या है सेगमेंट्स होते हैं आप लोग के और इसी पर आपका क्या होता है इस प्रकार से आपका इसी पर क्या होता है आपकी इस प्रकार से आपका आर्मेचर क्वाइल्स होती हैं आर्मेचर वाइंडिंग्स आपकी होती हैं कुछ इस प्रकार से ठीक है इस प्रकार से आपकी क्या होती है आर्मेचर कुछ क्वाइल्स होती हैं

ये आपका जो ब्रुश आपका अगर दोनों सेगमेंट्स को क्या कर दे इस प्रकार से टच कर दे तो ये इससे जुड़ी जो सेगमेंट्स आर्मेचर कॉइल से होंगी वो क्या हो जाएगी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपका कम्यूटेशन यानी जब आपका कार्बन कार्म दो कम्प्यूटर सेगमेंट्स को टच कर दे तो उससे जुड़ी आपकी आर्मीचर जो कॉइल्स होती है वो क्या होती है शॉर्ट हो जाती हैं अब वो शॉर्ट हो जाएंगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानते हैं ठीक है जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट आपका देखने को मिलेगा वो इसमें जान लेते हैं ठीक है तो इतना इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं आप ठीक है Okay, फिलहाल उसको मान सकते हैं आपको क्या होता है आप लोग का कार्बन ब्रश अब इसमें आपकी तीन अवस्थाएं आपकी देखी जाती हैं एक शॉर्ट सर्किट होने से पहले शॉर्ट सर्किट होने पर और शॉर्ट सर्किट सर्किट सोर्ट सर्किट होने के बाद तो पहला पता है कि डीसी जनरेटर में जो कार्बन ब्रश दो इतना सेगमेंट्स को टच करता है तो उस सेगमेंट से जुड़ी आपकी जो आर्मेचर कॉइल्स होती आर्मीचर वो क्या होती है शॉर्ट हो जाती है जिसके दौरान आपका प्रोसीजर आपका रहेगा कम्यूटेशन आपका जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है जो कम्यूटेशन आप लोग का होता है फिर आपका कम्यूटेशन दो तरीके का आपका कम्यूटेशन होता है दो तरीके आपका कम्यूटेशन होता है पहला कम्यूटेशन जो आपका होता है एक होता है आपका रफ कम्यूटेशन एक आपका होता है आपका रफ कम्यूटेशन एक होता है आप लोग का रफ कम्यूटेशन और दूसरा आप लोग का होता है स्मूथ कम्यूटेशन दूसरा आपका होता है स्मूथ कम्युटेशन दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है एक रफ कम्यूटेशन और एक एक आपका स्मूथ ठीक है रफ और एक आपका स्मूथ कम्यूटेशन आपको देखने को मिलता है रफ कम्यूटेशन क्या होता है स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है हाँ रफ होता है आपका स्मूथ होता है दो तरीके का आपको कम्यूटेशन देखने को मिलते हैं पहला रफ और दूसरा आपका अभी किस प्रकार का होता है रफ कॉमेशन किस प्रकार का होता है आप लोगों का जब आर्मेचर क्वाल्स में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन कैसे होता हो धीरे धीरे होता हो ठीक है जो आर्मेचर आर्मेचर कॉइल्स में, में विद्युत धारा मान में परिवर्तन या विद्युत धारा प्रवाह मान में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होगा तो उसको हम कहेंगे रफ कॉमेशन और जब आर्मेचर कॉइल्स में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन तेजी के साथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्मूथ कॉम्यूटेशन तो दोनों में आप लिख सकते हैं आप दोनों में लिख सकते हैं जब आर्मेचर कॉइल्स में विद्युत प्रवाह में परिवर्तन आप रफ में लिख सकते हैं आप रफ में चाहे तो लिख सकते हैं जब आर्मेचर कॉइल्स में जब आर्मेचर कॉइल्स में विद्युत धारा प्रवाह विद्युत धारा प्रवाह में परिवर्तन में परिवर्तन कैसे होता हो धीरे धीरे होता हो परिवर्तन कैसे हो आपका धीरे धीरे कैसे हो धीरे धीरे होता है तो उसे क्या कहेंगे आपका रफ कम्यूटेशन कहेंगे और जब सेम आपका जब आपका जब आपका आर्मेचर कॉइल्स में जब आपका आर्मेचर क्वाल्स में विद्युत प्रवाह में परिवर्तन कैसे हो तेजी के साथ हो कैसे हो तेजी के साथ इसमें कैसा होता है तेजी के साथ होता है परिवर्तन कैसा रहेगा फास्ट रहेगा कैसे रहेगा परिवर्तन आपका फास्टली आपका परिवर्तन होगा किसमें करंट में किसमें करंट में किसमें आपका आर्मेचर क्वाल्स में किसम आपका आर्मेचर क्वाइल्स में होने वाला विद्युत धारा में परिवर्तन कैसे हो जो तेजी के साथ होता है जो तेजी के साथ होता है तब आपका रहेगा आपका स्मूथ कम्यूटेशन और जब रफ आपका धीरे धीरे से होगा तो क्या बोलेंगे आपका रफ कम्यूटेशन ठीक है तो दोनों में आपका फर्क होता है ठीक है जब आर्मी परीवरता से होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका रफ कम्यूटेशन कहलाएगा अगर तीव्रता से होगा तो ठीक है ये बात को ध्यान रखना है धीरे होगा तो रफ और जल्दी होगा तो स्मूथ हाँ ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है ठीक है चलिए तो इसका ध्यान रखना इसको हटाते हैं एक मिनट के लिए तो इसमें आपको याद रखना है कि जब आपका आर्मेचर कॉइल्स एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया ठीक है जब आपका परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो उसको क्या बोलेंगे उल्टा इसमें जस्ट आपका होता है जब आपको धीरे धीरे होता है तो उसको क्या बोलेंगे स्मूथ बोलेंगे ठीक है धीरे धीरे जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे आपका

रफ कॉमसन ठीक है इसको ठीक कर लेना ध्यान रखना इसको जब तेजी के साथ परिवर्तन होगा तो रफ तरीके से हो रहा है और धीरे धीरे होगा तो स्मूथ तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पर इसको आप ये आपका होता है जब तेजी के साथ होता है फास्टली आपका आर्मेचर कॉइल्स में में करंट डायरेक्शन चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हाँ गुड इवनिंग सभी को तो ये आपका होगा आपका स्मूथ एंड रफ और आपका ये हो जाएगा आपका स्मूथ टाइप ठीक है दोनों में याद रखें अगर आर्मेचर क्वाल्स में विद्युत धारा परिवर्तन धीरे धीरे होता है जब धीरे धीरे हो रहा होगा तो स्मूथ कहलाएगा जब तेजी से हो रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे आपका रफ कम्यूटेशन कहेंगे इस बात को ठीक कर लीजिएगा और उसको याद रख लीजिएगा ठीक है ना स्मूथ का मतलब आपका धीरे धीरे परिवर्तन होगा ठीक है स्मूथ का मतलब आपका धीरे धीरे होगा उसको तो चेंज कर लीजिएगा ठीक है धीरे धीरे वाला स्मूथ होगा और फास्ट वाला आपका रफली उसको कॉम्पिटिशन में हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे ठीक है ये आप इसको नोट कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं आपका अब इसमें होता क्या है भाई आपका एक स्मूथ हो गया एक हमारा रफ हो गया अब इसमें क्या होता है एक हमारी कंडीशन आती है इसमें आपका शॉर्ट सर्किट से पहले लेकिन बिफोर शॉर्ट सर्किट पहला हम लेकर चलते हैं इसमें आपका बिफोर शॉर्ट सर्किट बिफोर शॉर्ट सर्किट ठीक है बिफोर शॉर्ट सर्किट का मतलब आपका क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किट होने से पहले शॉर्ट सर्किट होने से पहले की कंडीशन क्या होगा ठीक है शॉर्ट सर्किट होने से पहले तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले आपका किस प्रकार से रहता है आपका इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लेते हैं आपका तो इसको सभी विद्यार्थी डायग्राम बना लेंगे ठीक है आपका इस प्रकार से आपका हो गया मान लीजिए आपका कम्यूटेटर आपका ठीक है और इस प्रकार से आपका इसको हटा देते हैं साइड से ये आपका इस प्रकार से ठीक है ये आपकी हो जाती है इसमें सेगमेंट्स ये आपकी हो जाती है, है। क्या सेगमेंट्स होती हैं जो आपका हिस्सों में आपका डिवाइड होता है ठीक है, है, है।, है, है ये आपकी क्या होती है इस प्रकार से आप लोग की सेगमेंट्स आप लोग की होती हैं ठीक है ये आपकी क्या होती है सेगमेंट्स होती हैं एक आपका एस वन होता है एक आपका एस टू होता है और यहाँ पर चाहे अगर आप एस थ्री एस्ते बनाना चाहे तो बना सकते हो ठीक है दो सेगमेंट्स हमने मान लिया आपका एस वन एक आपका एस टू और बीच में पता है कि बीच में आपका कंप्यूटर सेगमेंट्स के बीच में आपका जो मध्य का जो गैप होता है इस प्रकार से इस प्रकार से इसको मैं यहां पर बना देता हूं ठीक है इस प्रकार से ये आपका जो गैप होता है यहां पर यहां पर आपका क्या इंसर्ट किया जाता है यहां पर आपका माइका को इंसर्ट करते हैं क्या करते हैं यहाँ पर आपका माइका इंसर्ट की जाती है ठीक है एक यहां पर ही बना देते हैं इस प्रकार से और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य में आपका क्या कर दिया जाता है माइका को इस प्रकार से आपका इंसर्ट कर दिया जाता है हाँ माइका भर दिया जाता है आपका ठीक है कंप्यूटर सेगमेंट्स के मध्य क्या भरा जाता है आपका माइका को भरा जाता है ठीक अब है अब्रक जिसको इन बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है बीस से साठ के ऊपर पर एमएम किलो वोल्ट पर एमएम में इसको माना जाता है आपकी सेगमेंट्स हो गई और इसी पर यहाँ पर आपका क्या होती है इस प्रकार से आपका क्या होता है आर्मेचर कॉइल्स होती है आपकी क्या होती है इसी पर आपका ये आपका होता है इस प्रकार से इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा ठीक है ये आपकी क्या होती है आर्मेचर क्वाइल्स ठीक है ये आपकी हो जाती है आर्मेचर क्वाइल्स ये आपका ए ये आपका बी और ये आपकी हो गई इनको क्या बोलते हैं आर्मेचर क्वाइल्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं आर्मेचर क्वालचर क्वॉइल्स कह लो या क्या कह सकते हो वाइंडिंग कह सकते हो ओके हाँ बिल्कुल ठीक है और ये आपका हो गया कम्युटेटर सेगमेंट्स ये आपका होता है कम्युटेटर सेगमेंट और कम्यूटेटर हमारा सेगमेंट किसका बना होता है किसका बना होता है हमारा कम्यूटेटर किसका बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का किसका बना होता है तो हो हार्ड्रॉन कॉपर का होता है किसका होता है हार्ड्रॉन कॉपर का होता है ये इंस्टीट्यूट में आपका चैप्टर जो कम्प्लीट हो गया है जो विद्यार्थी है सभी के लिए एक तरीके से आप लोग का रिविजन आप लोग के लिए हो जाएगा और इसमें आपको चीज़ें आपको सीखने को ही मिलेंगी ठीक है ये तो आपका हो गया हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है बीच में आपका इंसर्टिंग जो रहता है आपका माइका रहता है और ये आपकी होती है आर्मेचर क्वाइल्स और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस प्रकार से आपका मान लीजिए आपका जनरेटर है जो कि क्लोक डायरेक्शन में जो कि आपका इस प्रकार डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में क्लोक डायरेक्शन में आपका कि आपका डीओआर हो गया इसका डी क्या होता है आपका डी का मतलब आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो गया इसको क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो ध्यान से समझना उसके बाद कोई डाउट इसमें रहेगा नहीं अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी डाउट आप लोग का इसमें फिर नहीं रहेगा ठीक है मान लीजिए आपका जो ब्रुश है एक ब्रस बना लेते हैं आपका यहाँ पर आपका ब्रुश है आपका और ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट किस पर है सेकंड पर ये आपका ब्रुस है कोई ठीक है यह आपका क्या हो गया एक आपका ब्रुश है आपका ठीक है और ये सेगमेंट्स किस पर है एस टू पर यह आपका इस पर है आपका एस टू सेगमेंट्स पर इसको नाम दे देते हैं आपका मान लीजिए क्यू ब्रश ये आपका क्यू ब्रुश है आपका और किस पर है आपका ये एस टू सेगमेंट्स पर आपका है ठीक है और आपका जनरेटर आपका क्लोक डायरेक्शन में जिसका रोटेशन है वो आपका क्या है क्लोकवाइज है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका क्लोक में जनरेटर रोटेट कर रहा है तो और आपका ये आपका आर्मेचर कॉइल्स तथा से आर्मेचर कॉइल्स आपका बी तथा सी से क्या कर रहा हो करंट कलेक्ट कर रहा होगा क्योंकि यहां पर आपका इस सेगमेंट्स पर, पर एक तो आपका आर्मेचर कॉइल जुड़ी है और एक आपका आर्मेचर कॉइल जुड़ी है बी वाली जुड़ी है तो यहां से आई एमपियर करंट आपका यहां से ले रहा होगा और आई एमपर की करंट आपका इस वाले सेगमेंट से यानी इस वाली वाइंडिंग से आपका ले रहा होगा तो आई करंट यहां से आई करंट यहां से आया तो नीचे आपको करंट कौन सा मिल जाएगा आपको यहाँ पर आपका जो करंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको टू आई

यह आपका होता है बिफोर शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट से पहले शॉर्ट सर्किट से पहली कंडीशन दिखाई गई है किससे कंडीशन आपकी शॉर्ट सर्किट होने से पहली कंडीशन आपके जब मशीन जब आपका आपका जो कारण ब्रूस ने कंप्यूटर सेगमेंट को शॉर्ट नहीं कराया उससे पहले की जो कंडीशन आपका ये आपका हो गया बिफोर शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट से पहले की कंडीशन आपकी ये है आपका तो इसमें आपका आपका क्यू बुरु नाम दिया है आपका कंप्यूटर सेगमेंट S1 S2 आपका S2 के संपर्क में है और S2 आपका B से जुड़ा है और C से आपका जुड़ा है तो B से और C से क्या करंट कलेक्ट कर रहा है I amper, तो टोटल कितना हो गया टू एम पर यह होता है आपका शॉर्ट सर्किट होने से पहले कंडीशन ठीक है अब आगे चलते हैं आपका अब बात करेंगे आपका शॉर्ट सर्किट होने पर ठीक है अगला इसमें लेकर चलते हैं आपका ऑन शॉर्ट सर्किट ठीक है अगला है आपका ऑन शॉर्ट सर्किट ऑन शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट होने पर ठीक है अगला है आपका शॉर्ट सर्किट होने पर यानी जब शॉर्ट हो जाएगा तो किस प्रकार का रहा होगा वो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ठीक है ये आपके हो गए एक सेगमेंट ये रहा एक सेगमेंट आपका ये रहा और एक सेगमेंट आपका कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा ठीक है तो फिल कर देते हैं ठीक है ये आपका आ हाँ गया आपका कम्यूटेटर इसमें आपके आर्मेचर बना लेते हैं आपका आर्मेचर 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 ए बी और आपकी सी और सेम ही आगे की चलते रहते हैं इधर इधर भी भी और भी आपका चलता रहेगा ये आपका आपका ए हो गया बी कोयल हो गया आपका सी कोईल हो गया बाकी सेम चीज इसमें रहेगा आप लोगों रहे का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका सेम रहेगा आर्मेचर का डी यू आर ये आपका कौन सा होता है ये डायरेक्शन आपको इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं आपका क्लॉकवाइज कौन सा आपका क्लॉकवाइज अब डायरेक्शन आपका आर्मेचर है दो तरीके से आप घुमा सकते हैं तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं जिधर आपका मन कर उधर क्या कर सकते हैं इसको रोटेट कर सकते हैं हम ठीक है यहाँ आपका कंप्यूटर सेगमेंट आपका एस वन हो गया या आपका कंप्यूटर सेगमेंट आपका एस टू हो गया ठीक है और जो ब्रुष हमारा क्यू था क्योंकि जो जनरेट हमारा आर्मेचर घूम रहा होगा इस प्रकार से तो बुरु यहाँ होगा अब ब्रुष यहां से आपका कहाँ पर आ रहा होगा इधर किधर क्योंकि कम्यूटेटर आपका जो है वो रोटेशन में है किधर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इस डायरेक्शन में आपका चल रहा है घूम रहा है ठीक है इस में क्या आपका चल रहा है तो आपका जो बुरु यहाँ पर आपका एस टू में देखिए इस प्रकार से आपका जो बुरु एस टू में था अभी बुरुस कहां पर एस वन की ओर ठीक है तो यहां पर पूरा नहीं है कुछ आ गया यानी जो एस वन आपका एस टू था इससे इस, इस प्रकार से आपका यानी जब हमने कहा है हमने कॉम्पिटिशन आपका पढ़ा है कि आपका जब आपका कॉम्पिटिटर्स जब आप लोगों का कार्बन बुरु

कर गया इसको ऑन शॉर्ट सर्किट है आपका जो आपकी जो आपकी नंबर बी है वो क्या कर देगा ये शॉर्ट इसने बी को क्या कर दिया कर दिया शॉर्ट कर अब जो आपका इस कंडीशन में आप से क्या कर रहा, है? कर रहा है क्योंकि यहां पर आई एम करंट यहां से आपको कितना मिल रहा टू आई परंतु आपका जो कॉइल बी है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी क्योंकि आपका कारण ने दो सेगमेंट्स को क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया ठीक है अब जो विद्युत धारा ब्रुष कलेक्ट कर रहा होगा ब्रुश की किससे कर रहा होगा ए और सी से क्या कर रहा होगा आपका कलेक्ट कर रहा होगा आगे देखते हैं आपका शॉर्ट सर्किट होने के बाद ही अवस्था इसमें क्या देखने को मिलेगी ठीक है हाँ अब क्वाइल तो से जुड़ी शॉर्ट सर्किट हो गई अब शॉर्ट सर्किट हो गई तो क्या परेशानी होगी तो क्या दिक्कत होगी अब वो देखते हैं आपका अगले डायग्राम में ठीक है इसको बना लेना स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में इसको आप बना सकते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं आपका शॉर्ट सर्किट होने के बाद यानी आफ्टर शॉर्ट सर्किट यानी बात करें आपका अब आपका है आफ्टर शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किटेड नहीं सर्किट लिखते हैं खाली सर्किट ने सर्किट तक ठीक है आफ्टर शॉर्ट शॉर्ट यानी सर्किट होने के बाद की अवस्था शॉर्ट सर्किट होने के बाद की अवस्था तो डायग्राम को पहले बना लेते हैं इसका ठीक है तो ये आपके इसमें सेगमेंट्स आपका हो गया पहले सेगमेंट्स बना लेते हैं इसकी ये आपके सेगमेंट्स हो गए इसमें अब आपका आर्मेचर कॉइल्स को बना लेते हैं आपका और सेम इस प्रकार से आपका इसको हमने कहा था आपका ये है आपका आर्मेचर कॉइल नंबर फर्स्ट ए ये आपका बी और ये आपका सी अब बुरुस आपका यहाँ पर था आपका एस वन सेगमेंट में और आपका एस टू सेगमेंट से परंतु जनरेटर तो क्या कर रहा रोटेट कर रहा है जनरेटर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है यानी आर्मेचर आपको घूम रहा है तो बुरुष की विस्तार कैसी आ जाएगी इस प्रकार से यानी पहले आपका ब्रुश एस टू सेगमेंट पर था फिर दोनों पर आगे आ गया आ जाएगा बुरुश आपका एस वन सेगमेंट पर ब्रश आपका कहां पर आ गया होगा क्योंकि क्यो, क्यो, रोटेशन में है आर्मेचर तो कंटिन्यू क्या है रोटेशन में है अब आपका बुरुष कहाँ पर आ जाएगा ये एस वन सेगमेंट पर आ गया ठीक है कहां पर आ गया हमारा बुरुष एस वन सेगमेंट पर आप लोगों का इस प्रकार को ये रंग देते हैं इसको ये वाला रंग कोई बात नहीं ये आपका आ गया बुरुष क्यू आपका जो जनरेटर है, इसका जो आर्मेचर है वो क्या कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्योंकि रोटेशन आपका कैसा आपको मिल रहा है क्लोकवाइज मिल रहा है इस प्रकार से आपका बुरुश आपका इधर आ गया अब आपका हमने बताया था कि जो हमारा जो बुरुष था वो आर आपका क्वाइल ए और क्वाइल सी से क्या ले रहा था आपका करंट ले रहा होता है और बी में आपका कॉइल क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो गई तो तो बी का आपका शॉर्ट सर्किट होने पर इसमें जो करंट रिवर्सेबल हो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है जो डायरेक्शन पहले इसमें जो चेंज होती है मतलब क्या क्या होता है इसमें आपका जो आपका जो डायरेक्शन है करंट का मान लीजिए कॉइल आपका शॉर्ट सर्किट नहीं था तो करंट नीचे को आपका आता अब इसमें क्या हो जाएगा करंट डायरेक्शन शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है चेंज हो जाती है अब करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपका चेंज हो जाएगा बाहर की और आपका इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका तो आपका चेंज हो जाएगा और आपका ए और सी से तो आपका लीड आता यहाँ पर तो आपका टू आई आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहाँ पर तो आपका सेम क्या आएगा टू आई एम्पेरी आप लोगों का आएगा ठीक है अब इसमें क्या होता है अब इसमें क्या होता है यह आपको बताना है हाँ गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग अब इसमें क्या होगा आप लोग का बता दीजिए अब क्या होता है जो बुश आप क्यू है वो एस वन के संपर्क में आ गया और आपका ए और सी से क्या कर रहा विद्युत धारा क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है ए और सी से विद्युत धारा क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है यहां से करंट आपका आ रहा है आई एम पे और क्वाइल सी से आपका करंट आ रहा है यहां पर आपका आई क्या कर प्राप्त कर रहा है परंतु तो इसमें क्या होता है कॉइल बी शॉर्ट सर्किट होती है कॉइल बी में विद्युत धारा प्रवाह क्या होती है शॉर्ट सर्किट होने से पहले चेंज यानी जब से शॉर्ट सर्किट में थी आपका शॉर्ट सर्किट से पूर्व की स्थिति के विपरीत हो जाती है मान लीजिए पहला करंट अगर नीचे आ रहा होता पहले करंट अगर नीचे की तरफ आ रहा होता तो अब करंट कहा कर जाएगा उसका ऊपर की ओर डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी चेंज हो जाएगी कॉइल बी क्या होगी हमारी शॉर्ट हो गई क्वेल बी क्या होती है हमारी शॉर्ट हो जाती है ठीक है तो कॉइल बी में से विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा परिवर्तित हो जाने से कॉइल बी में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाने से इसमें पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा क्या होती है चेंज हो जाती है इंड्यूस्ड इंडिजनल की डायरेक्शन क्या हो, हो जाएगी चेंज हो जाएगी ठीक है विद्युत धारा की दिशा चेंज होने से या कह लो क्वाल बी में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होने से इसके द्वारा उत्पन्न जो आपका जो फ्लक्स बन रहा होगा जिसने फ्लक्स बनाया होगा वो उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी उसकी दिशा भी क्या हो जाती है आपकी चेंज हो जाती है क्या हो जाती है उसकी दिशा भी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है यानी आपका क्या हो जाता है परिवर्तन इसमें आपका हो जाता है ठीक है अब जब फ्लक्स हो जाएगी तो उसमें बी आपका करंट इंडक्शन चेंज हो जाएगी जब फ्लक्सन चेंज हो जाएगी तो इसमें पैदा होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है आपका क्या होगा तो इसमें आपका चेंज होने के कारण आपका एक सेल्फ इंडक्शन के कारण किसके कारण सेल्फ इंडक्शन के कारण किस कारण

ठीक है यानी आपका आपारा ब्रुश क्यू आपका है जो एस वन सेगमेंट्स पे आपका होगा

हुआ है सिलेंडर्स के कारण आपका ये जो ब्रश में जो करंट रिएक्शन चेंज हुई है इसी के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है स्पार्किंग तो जो कम्यूटेशन आपका होता है आपने देखा होगा जनरेटर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है इस स्पार्किंग मात्रा बढ़ जाती है किसकी मात्रा बढ़ जाती है स्पार्किंग की मात्रा इसमें क्या हो जाती है आप लोगों की बढ़ जाती है ठीक तो है, है तो यही आपका रीजन होता है हाँ उसमें स्पार्किंग होती है जनरली बढ़ जाएगी आपका क्योंकि आपका कॉइल भी शॉर्ट सर्किट हो गया अब शॉर्ट सर्किट होने से उसमें करंट डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी पहले की अपेक्षा विपरीत हो जाएगी और जो करंट डायरेक्शन चेंज होगा करंट डायरेक्शन चेंज होने से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा फ्लक्स के चेंज होने से आपका जब फ्लक्स चेंज होता है आपका तो हमने पढ़ा है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करे या कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर दे तो हर कंडीशन में फेरोडा के नियम के अनुसार क्या बनता है, ये बनता है. तो करंट इंडक्शन चेंज होने से

ठीक उसी प्रकार से चाहे तो उसका मान सकते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है आपका क्वॉल भी सेल्फ इंडक्शन कारण विद्युत जो पैदा होता है वो विद्युत का विरोध करता है और इस प्रकार इस प्रकार आप लोग देखा होगा आप लोग का इस प्रकार से आपको जो एस टू सेगमेंट्स आपका इस प्रकार से आपका जो एस टू सेगमेंट है आप लोगों का और सारा का सारा का, का स्पार्किंग का जो करंट आप लोग का सारा का सारा, सारा स्पार्किंग आपको यहाँ पर आप लोग बृहस्पति देखने को मिलती है इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये सारा का सारा आपका ये सारा का सारा आपका यहाँ पर आपको स्पार्किंग की देखने को मिलती है आपका कहां पर बुरुष पर ठीक है तो इस प्रकार विद्युत धारा का कुछ अंश आपका जो क्या होता है वो चिंगारी के रूप में कह लो या से क्या कह सकते हो स्पार्किंग चिंगारी के रूप में कह सकते हैं किसके रूप में कह सकते हैं स्पार्किंग के रूप में आपको देखने को मिलता है कहां पर आपका बुरश पर जो स्पार्किंग आपकी जनरेटर में जनरली होती है मशीन में आपका किस कारण होता है वो आपका कम्युटेशन कारण किस कारण होती है जनरली आपका कम्यूटेशन कारण होती है या आपका जब ब्रूस आपका जब आपका हमने जो आर्मी से पढ़ा था आप लोग का जब आपका एम एन खिसक जाता तो भी आपको स्पार्किंग देखने को मिलेगा कम्यूटेशन आपको हो जाएगा तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा ये आपको स्पार्किंग की फॉर्म में आप लोगों को देखने को ये मिलेगा ठीक है ना आप चाहें तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं तो बना लीजिए भाई सभी विद्यार्थी और ये आपका इसमें उस चीज आप तो ध्यान रख सकते हैं जो ये आप लोगों का जो इसमें जो सेल्फ इंडक्टर और जो एम इंड्यूस हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिकल इंड्यूस डीएमएफ इसको क्या बोलते हैं आपका स्टैटिकली इंड्यूस डीएमएफ इसको क्या बोलते हैं आपका स्टैटिकली ने धन्य स्टैटिकली इंड्यूस डीएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पीएम इसको कहते हैं स्टेटिकली इंड्यूस के नाम से भी इसको हम जानते हैं ठीक है तो यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं बता दीजिए बताइए विद्यार्थी क्लियर है चलिए तो मैं आपको बताया था इसमें आप लोग का एक बार मैं फिर से आपको बता देता बताया था हूं कि पहले इसमें हमने आपका तीन कंडीशन आपकी इसमें देखी है जनरली आप लोगों का देखिए पहला आपको बताया बिफोर शॉर्ट शॉर्ट सर्किट होने से पहले की जो अवस्था आपकी देखी जाती है वो किस प्रकार से होती है या आपका आर्मेचर कॉइल्स आपकी हो गई सी आपका सेगमेंट्स एस वन एफ एस टू सेगमेंट्स हो गया और क्यू आपका ब्रश है जो आपका एस टू सेगमेंट्स पर है अब एस टू पर देख लीजिए आपका एस टू सेगमेंट पर यहाँ पर आपका ये आपका आपकी दो कॉइल जुड़ी हुई है आपका कौन कौन सा आपका बी कॉइल और आपका सी कॉइल तो आपका जो ब्रुश है, आपका आर्मीचर बी से करंट ले रहा होगा और आर्मेचर कॉइल सी से आपका करंट ले रहा होगा तो आपको आई करंट यहाँ आकर टोटल कितना होगा आपका टू आई हो गया ये आपका होता है शॉर्ट सर्किट होने से पहले पहली कंडीशन होती है इस प्रकार की ठीक है बाकी आपका जनरेटर आपका डीओ आर सेम में आपका, आपका जनरेटर आपका क्या कर रहा है आर्मेचर रोटेट कर रहा है आगे आप आपका आता ऑन शॉर्ट सर्किट जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाने पर क्या होगा आपका ब्रुश आपका जो क्यू ब्रुश है आपका दोनों सेगमेंट एस पर भी और एस पर सेगमेंट सेगमेंट और दोनों क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया इन पूरा यहां पर पर ना करके इस प्रकार से आपका भी रह गया और एस वन पर भी रह गया इससे क्या हो गया आपका जो आपका जो आर्मेचर कॉइल ए बी सी क्वाल थी बीच की जो कॉइल है कॉइल बी ये क्या हो गई आपकी शॉर्ट हो गई आपका ब्रुश आपका आर्मेचर करंट आपका आई ए से आपका करंट लेने ले लगा ले और आपका कॉइल सी से करंट आपका लेने ले लगा ले आई एमपिन यहां से आई यहाँ से तो टोटल कितना आ गया तो पर आपको मिलने लगा अब आपका क्या होगा तीसरे डायग्राम आपका क्या होता है आफ्टर शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद की अवस्था शॉर्ट सर्किट हो जाने से बाद की अवस्था का क्या रहता है इसमें आपका कि इसमें आप लोग का एबीसी आपको, आपको दिख रही है इस प्रकार से आपका ठीक है आपको कॉइल्स इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों का तो ये आपका एबीसी आपका कॉइल होगा आपका आपका जो ब्रूस था आपका दोनों सेगमेंट पर, पर आ रहा है कहाँ पर आगे एस वन सेगमेंट पर आपका आ गया और इसमें आपका जो आर्मेचर कॉइल्स आपका ए से करंट कलाप्ट कर रहा था और सी से करंट क्या कर रहा था कलेक्ट करके कर कर आपका टूआई करंट आ रहा था और कॉइल बी में शॉर्ट सर्किट होने से क्या हुआ आपका इसमें कॉइल शॉर्ट सर्किट होने से शॉर्ट सर्किट होने से पहले की जो दिशा इसकी होती है नी करंट कलेक्शन में क्या होती है चेंज हो जाती है

इसको क्या कहेंगे आपका स्टेटिकली इंड्यूस कहते हैं तो इसके कारण आपका सेगमेंट तो आपका एस टू पर काफी यहाँ पर, में आपका, काफी स्पार्किंग आपकी देखने को मिलती है, और उस स्पार्किंग होता है ये इस प्रकार से बुरुसरा क्या करता है कौश करता है तो यहाँ पर बुरुसों पर आपका काफी मात्रा में स्पार्किंग देखने को मिलती है ठीक है ये आपका होता है कम्यूटेशन ठीक है ये आप लोग का होता है कम्यू ठीक है तो आर्मेचर कॉइल्स में जो विद्युत धारा दिशा के प्रवाह में जो परिवर्तन होता है या आपका जो परिवर्तन हो रहा है किस प्रकार से हुआ जब आपका ने दो कम्प्यूटर को क्या कर दिया है टच कर दिया है तब ये अवस्था में देखने को यहाँ पर मिल रही है ठीक है तो अब यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं इसके बाद आप लोग आपको बताया गया था शुरू में आपको बताया कि आपका कम्यूटेशन आप कम्युटेशन का जो होता है जब दो सेगमेंट्स को शॉर्ट कर देगा तो आपका कम्यूटेशन हो जाएगा भाई ये आपको बता दिए यहाँ पर आप लोगों को और आपको होता है दो तरह के आपका कम्यूटेशन होता है एक एक रफ कम्यूटेशन होता है स्मूथ कम्यूटेशन होता है ठीक है जब आर्मेचर कॉइल्स में विद्युत धारा में परिवर्तन धीरे धीरे होगा जब धीरे धीरे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका स्मूथ कम्यूटेशन कम्पिटेशन क्या बोलेंगे आप लोग का स्मूथ कम्यूटेशन और जब आर्मेचर कॉइल्स में विद्युत धरा प्रवाह में परिवर्तन तेजी के साथ होगा तो उसको तो, हम क्या बोलेंगे आपका रफ कम्यूटेशन कहेंगे आप लोग को बता दे फास्टली होगा तो रफ होगा धीरे धीरे होगा तो स्मूथ कम्यूटेशन उसको कहेंगे और तीन आपकी हमने पढ़ ली है तो कल है, इसको इंप्रूव करने के लिए ठीक है उसको समाप्त कैसे करेंगे हालांकि आपको मैंने पहले ही बताया गया था कि आपके हाई रेजिस्टेंस कारण पुरुष आपके जो हाई रेजिस्टेंस कारण पुरुष होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं एक तरीके से कम्यूटेशन की मात्रा क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है दूसरा एक आपका होता है एक ई मेथड आप लोग का होता e लो है उसको अप्लाई करके आप इसको कम कर सकते हैं और एक सबसे अच्छा जो आपका स्पार्किंग हुआ है स्पार्किंग को कम करने के लिए मैं है कि इसका यूज करते हैं इंटरपोल्स का जनरल यूज कर लेते हैं किसका यूज कर लेते हैं इंटरपोल्स का भी आप यूज करते हैं किसको स्पार्किंग इस मात्रा को रिड्यूस करने के लिए जो मेन पोल के बीच में जो छोटे पोल आपके लगाए जाते हैं उनको इंटरपोल कहते हैं उनके द्वारा भी आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है हाँ तो फिलहाल ये आज इतना ही रखते हैं आप लोगों का ठीक है और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हों सेशन में आप लोगों का चैनल में नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें और और आप लोगों का जो एम सी क्यू सीरीज था वो भी आप का चलता रहेगा फिलहाल जो आपका ये जनरेटर का जो टॉपिक था उसको पूरा क्या करते हैं पहले उसको समाप्त करेंगे उसके बाद आपका एमसी सेशन भी शुरू कर दिया जाएगा ठीक है फिलहाल इतना ही रखते हैं थैंक यू वेरी मच एन ऑल द वेरी बेस्ट